हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बिहार बोर्ड टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम क्लास 10th का। दोस्तों, सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आपको अपना अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो दोस्तों इसके सभी क्वेश्चनों को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वियना संधि कब हुआ था। तो वियना संधि कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1815। 1815 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, भारत के गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारत की गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उद्देश्य आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। कौन सा संघ था? यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, नरोत्तम सिंघानों को किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंघानो किस देश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बाष्प चलित इंजन, जो भाप का इंजन होता है, उसका आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड टिस्किल स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। तो दोस्तों, 1907 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलघर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो कौन अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैट नहीं है, WTO भी नहीं है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई आर्थिक नीति क्या है अस्तित्व में आई थी 1991 में। नेक्स्ट है आपका, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक से क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं वो मत्स्य पालन प्राथमिक में आता है, खनन भी प्राथमिक में आता है, और जो वन होते हैं वो भी प्राथमिक में आते हैं। लेकिन ये बैंकिंग है, ये क्या है, प्राथमिक में नहीं आता है, बल्कि तृतीयक क्षेत्र में आता है ये। तो इसका बैंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग उद्योग के केंद्र हैं। तो दोस्तों, ये किस उद्योग के केंद्र हैं। तो दोस्तों, आयरन और स्टील, आयरन और स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है।
तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है दोस्तों औसत आय, प्रति प्रत्येक व्यक्ति की एवरेज जो इनकम होती है उसको क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, 1952, 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। टका क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा है, रुपया इंडियन है, और डॉलर किसकी, अमेरिका की होती है डॉलर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है दोस्तों उत्पादन साधनों की आय, उत्पादन साधनों की आय को क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और ऐसे ही सभी पेपरों के दोस्तों मैं लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी नहीं किया है। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो दोस्तों यह है दीर्घकालीन, लंबे समय वाला जो ऋण है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना से संबंधित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना से कौन सी नदी संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था का जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों, केबल का टूट जाना, केबल का क्या है, टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है? तो दोस्तों बाढ़ फसलों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी, भवनों को भी, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेलवे से नहीं है, जल से नहीं है, वायु से नहीं है, ये क्या है, सड़क परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर, क्योंकि दोस्तों जब बाढ़ आती है तो जो निम्न क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या है, पानी भर जाता है, लेकिन जो ऊंचाई पर होते हैं वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनता दल, यूनाइटेड जनता दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव कौन करवाता है दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज शुरुआत हुई है? तो किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई है, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1975 भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है? तो जो वर्ष 1975 है वो भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इस वर्ष में क्या हुआ था दोस्तों, इस वर्ष में आपातकाल, आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, तो आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए दोस्तों यह भारतीय राजनीति में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ाबंदी, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी बंदी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का आधार, मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी क्यों सही है? सत्ता की साझेदारी क्यों सही है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह, दोस्तों विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को क्या है, कम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय संघ गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, तो जो निम्न राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों झारखंड, झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों सभी को पता है इसकी, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? सोन नदी घाटी परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पार्ट टू में आएंगे। तो दोस्तों जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसका पार्ट टू जल्द ही आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।